मुर्गे ही मुर्गे हैं, असील मुर्गे। सामने भी ये सारा आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से यहाँ पे अपना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ डेरा जावेद खान पुनुखैल व इकबाल खान पुनुखैल मियांवाली में। अगर मुर्गों का नाम आता है तो मियांवाली का नाम जो है पूरी दुनिया में हमें सरफहरिस्त नज़र आता है असीलों के मामले में। तो आज मैं आया हूँ, मैंने कहा एक वीलॉग बनाऊँ यहाँ पे, आपको डेरे का विज़िट करवाएँ। जो सेटअप है यहाँ पे इनका असील सेटअप है, चाचा जावेद का, इकबाल भाई का, भाई तैमूर वगैरह का, तो इंशाल्लाह आपको आज उनका सेटअप दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ये सारे इनके यहाँ पे मुर्गे ही मुर्गे हैं, असील मुर्गे। सामने भी आप देख सकते हैं, और ये सारे इनके जो है ना तैयार मुर्गे हैं बिल्कुल। इनकी हवेली पे काफ़ी सारे मुर्गे आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ ब्रीडिंग के हवाले से भी आप अगर आप देखें तो ये कोई नई ब्रीड भी थोड़ी बहुत खेल रही है यहाँ पे। ये देखिए ये सदाम भाई हैं जी, ये सारा मैनेज करते हैं शॉट जैसा जावेद वगैरह का। ये नई ब्रीड जो फिर रही है जी, छोटे छोटे चूजे फिर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा मौसम अभी सेट हुआ है, धूप निकली है तो मुर्गे वगैरह सब बाहर निकाले हैं। इनको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होती है सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे। तो इंशाल्लाह इकबाल भाई का इंटरव्यू भी करेंगे आज। इसके अलावा मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीलॉग बना लूँ इकबाल भाई वगैरह का, जो सारा सेटअप है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक मुर्गी खड़ी है मेरे सामने, पीली सी मुर्गी है, बहुत खूबसूरत। नहीं दोस्तों सही नज़र नहीं आ रही टोकरे में, मैं इंशाल्लाह इसकी दूसरी वीडियो लगा दूँगा। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इनके केजेस जो इस साइड पे बने हुए हैं। गर्मियों का सेटअप जो है बेसिकली इनका, गर्मियों भी कह सकते हैं आप। ये सारा सेटअप है जी, यहाँ पे भी मुर्गे बंद किए जाते हैं रात के टाइम। इकबाल वगैरह का ये सेटअप आप देख सकते हैं, ये सारा आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से यहाँ पे अपना शौक मैनेज किया हुआ है। दोस्तों असील परवरी एक अच्छा शौक है अगर उसको उसके मुस्बत पहलुओं को सामने रख के किया जाए। कोई भी शौक है अगर उसके मुस्बत पहलुओं को सामने रख के करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो बहरहाल मनफी पहलुओं से बचा जाए, अल्लाह ताला की रज़ा भी इसी में है और रहमतें और बरकतें भी हैं इसी में ही। तो बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम इंशाल्लाह अच्छा शौक करें। अल्लाह ताला की जो मखलूक है इसके ऊपर हम रहम करें। अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम करते हैं, अल्लाह ताला हमें हर शर से बचाएं। तो बहरहाल आगे चल के आगे लेके जाता हूँ मैं आपको इन लोगों के मज़ीद केजेस में आपको दिखा दूँ। अगर ये देखें यहाँ पर भी इनके ब्रीडिंग के केजेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे इनके ब्रीडिंग केजेस हैं यहाँ पर। इसमें जोड़े लगे हुए होते हैं, अभी भी बीच में आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर यहाँ पे आगे चल के देखेंगे हम तो ये कबूतरों का सेटअप आ जाता है। ये कबूतरों का सेटअप है जी, और ये ओवरऑल एक डेरे का मैं भी दे दूँ आप लोगों को। इस तरफ भी कबूतर हैं और यहाँ पे भी मुर्गे खड़े थे, उन सबको भी बाहर निकाल दिया। इस कमरे में भी सारे मुर्गे थे। ये यहाँ पे कुछ कबूतर हैं। और दोस्तों मैंने कहा चलो एक मैं छोटा सा वीलॉग बना लूँ मुर्गों के ऊपर, भाई बाल वगैरह का, चाचा जावेद का जो शौक है। तो उम्मीद है जी आप लोगों को ये छोटा सा वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी अच्छे अच्छे वीलॉग्स इसी तरह हम आपको देंगे। तो
अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आला नसीब आसान रिस्क अता फरमाएँ और हमारी हम सबकी सब मुश्किलें जो हैं वो हल फरमाएँ, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट किसी अच्छे से वीलॉग में, और आप लोगों से जो है ना गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।